रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आज दो मामलों में मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को सीतापुर जेल से भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया गया। सपा सरकार के दिग्गज रहे मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो मामलों में आज सीतापुर की जेल से भारी सुरक्षा के साथ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। 2008 में थाना छजलेट में रोड जाम करना और दूसरा प्रकरण रामपुर से पूर्व सांसद जय पिरदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज पेशी हुई थी। आजम खान पक्ष के वकील ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आज दोनों मामलों में आरोप फ्रेम हुआ है और छजलेट मामले में 4 फरवरी और जयपर्दा पर अभद्र टिप्पणी मामले में 8 फरवरी तारीख लगी है। इन मामलों में कोर्ट में फिजिकली पेश होने की आवश्यकता नहीं, बीसी के माध्यम से ही सुनवाई हो जाएगी। आज दो मैटर्स तो छजलेट से संबंधित है जी, उसमें पेशी थी। उन दोनों केसेस में एक तो बेसिक केस है जो 2008 का है, एक जो एब्सकॉन्डिंग की हैसियत से इन पे केस लगाया गया था वो 174 AIPC का है, वो था। तो उन दोनों केसेस में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, एक केस में अब्दुल्ला आजम साहब पे और आजम खान साहब पे, और एक केस में खाली आजम खान साहब पे। अगली डेट क्या लगी है? अगली डेट एक केस में तो लगी है 4 तारीख जी, और एक केस में लगी है 8 तारीख। अच्छा वकील साहब, टोटल कितने केस हैं आजम खान साहब पर? यहाँ पर 3 केसेस हैं, और पूरे ऑल अगर बात करें रामपुर और सब मिलाकर ओवरऑल, देखिए उसकी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, मगर राउंड अबाउट कोई 100 प्लस है। तो कितने अभी कितनों में जमानत हो चुकी है? मैक्सिमम में हो चुकी है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अभी फाइल वो भी पेंडिंग है? जयपर्दा वाला मामला भी था क्या? जी जयपर्दा वाला मामला भी था। उसको कौन सी डेट पड़ी है? उसमें भी 8 तारीख पड़ी है, वो इन्वेस्टिगेशन में है अभी, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई है।